हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, तुम लोगों को नीचे वीडियो में मैं कुछ और करते हुए दिख रहा हूँगा, बट यहाँ पे क्या था, मुझे तुम लोगों को सिखाना है कि ग्रैंड मास्टर से कैसे फ़ाइट करनी है, और खेलते टाइम मैं उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। तो एक्ट सिक्स के टाइम पे जैसे हम लोग ग्रैंड मास्टर से लड़े थे, तो फेज़ वन होता था, फेज़ टू, फेज़ थ्री, फेज़ फोर, सेम वही चीज़ है। बट यहाँ पे कुछ एड ऑन्स हैं, जैसे ग्रीन लाइट, रेड लाइट और एक नॉकआउट, जैसे मैं सिखाता हूँ धीरे धीरे। सबसे पहली चीज़ तो देखो, जैसे हम लोग लाइट मारते तो लाइट बैन होता था, देखो लाइट बैन हो गया। जैसे ब्लंडर्स आते थे हमारे ऊपर, अगर हम इसे रिपीट कर देंगे ब्लंडर आ जाएंगे, बट इसमें क्या है, इसमें 5 ब्लंडर नहीं, 3 ब्लंडर पे गेम ओवर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे तुम लोग देख पा रहे हो कि मेरा लाइट भी बैन है, पैरी भी बैन है और डेक्सटेरिटी भी बैन है। इसमें चौथा एड ऑन ये है कि तुम्हें उसके बाद एक नॉकआउट भी मारना पड़ेगा, और ग्रीन लाइट और रेड लाइट पे बहुत नज़र रखनी पड़ेगी। देखा तुम लोगों ने, ये स्लो मोशन में समझ जाओगे, जैसे ग्रीन तुम्हें टाइमर दिख रहा होगा तो ये एकदम से ऐसे रेड होगा, और जैसे ही रेड होगा तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, बस खड़े हो जाना है। ना तुम पैरी कर सकते हो, ना तुम ब्लॉक कर सकते हो, ना तुम डेक्स कर सकते हो, बस स्क्रीन छोड़ देनी है। ठीक है, और बाकी वही सेम चीज़, घूसे का मतलब अपने ऊपर लो, ब्लू वाले ब्लॉक करना ब्लॉक पे लो, और डेक्सटेरिटी करना डेक्सटेरिटी करो SP1 के बाद में, SP1 डेक्स करके। ठीक है, SP1 डेक्स करना तुम लोगों को ज़रूर आता होगा, तुम लोग ग्रैंड मास्टर से लड़ ही चुके होगे। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम लोग ग्रैंड मास्टर से जीत के ही आ रहे होगे, और मैं इतना समझ में ग्रैंड मास्टर के पता ही होगा। अब ये देखो रेड टाइमर आ गया, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे लाइट बैन हो चुके हैं। अब मुझे डेक्सटेरिटी और पैरी भी ब्लॉक हो गया। अब मैं कोशिश करूँगा मैं अपनी डेक्स को भी बैन कराऊँ, जो कि मैंने कराया, और मैं मारूँ एक हैवी। उस हैवी को मारने के बाद, जैसे हैवी बैन नहीं हो तो मुझे एक और हैवी मारना पड़ेगा। एगोन मुझे काफ़ी हेल्प कर देता है, क्योंकि एगोन का जो हैवी अटैक है वो तुम लोग कह सकते हो कि वो है, कहते हैं अनस्टॉपेबल। बट देख रहे हो तुम, ये रेड हो गया, इस वाले रेड ने कुल मिला के मेरी जान ही बचाई है। ठीक है, बट क्या हुआ, ये एक बेसिक चीज़ थी जो मैं तुम लोगों को बताई इस वाली फाइट के बारे में, कि कैसे ये टाइमर चलेगा, कैसे ग्रीन है, कैसे रेड है, तो इससे तुम लोगों को एक बेसिक आइडिया मिल चुका होगा। ठीक है, मैं हार गया उससे कोई मतलब नहीं बनता, मतलब बनता है कि तुम लोग सीखो। ठीक है, ऐसे ही मैं भी सीखा था टाइम के साथ में। ठीक है, तो चलते हैं गाइज नेक्स्ट अटेम्प्ट पे हमारे ग्रैंड मास्टर के अगेंस्ट। वही सेम चीज़ें होंगी, पैरी, डेक्स और वो सब। ठीक है, मैं तुम लोगों को हर फेस के बारे में समझा दूंगा, बस यहाँ पे ऐड ऑन ये ग्रीन लाइट और रेड लाइट है और नॉकआउट है। वहाँ पे क्या होता था, डेक्सटेरिटी होती थी, पैरी होता था और लाइट होता था, उसके बाद तुरंत, हाँ, या यहाँ पे तुम लोगों को SP1 आ जाती थी तुरंत ग्रैंड मास्टर के पास में। बट इस वाले में एक ऐड ऑन है कि भाई नॉकआउट भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो रेड लाइट है, कुछ नहीं करना। रेड लाइट का मतलब है बिल्कुल बस खड़े हो जाओ, स्टिल, कुछ नहीं करना है। करते ही तुम पे हर एक्शन जो तुम करोगे, एक तुम पे वो आ जाएगा ब्लंडर, और 3 ब्लंडर होते ही ग्रैंड मास्टर की स्पेशल 3 बन जाएगी और तुम गए फाइनल। ठीक है, तो यहीं वही सेम चीज़ करी मैंने। ठीक है, ब्लॉक, अब उसके बाद में वुंडेड है, अब इसको पेल के मारेंगे जैसे अभी पहली वाले अटेम्प्ट में मारा था। 70 के बाद में फेज 2 स्टार्ट हो जाएगा। देखो फेज 2 में मैं सच बोलूँ तो कोई इतना कोई खास एड ऑन नहीं है, बिल्कुल वैसा ही है, बस ये रेड वाले इस पर ज़रूर ध्यान देना, गलती से अगर मार दिया भाई मुझसे मत कहना SP3 बन गई, भाई तुमने बताया नहीं था। फिर से लाइट बैन, पैरी बैन, अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं डेक्सटेरिटी बैन कराऊँ और फिर मैं नॉकआउट करूँगा। बट जहाँ तक है मुझे लग रहा है कि इस घुसे के साथ में नेक्स्ट फेज़ में चला जाएगा, जो कि चला गया था। तो इसके जाने के बाद में सेम वही चीज़ें होंगी, बट क्या है, तुम लोगों को एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, वो मैं बताता हूँ क्या। जैसे ग्रैंड मास्टर मिशन देता था, जैसे इसमें अभी लिख, जैसे यहाँ पे लिख के आ रहा है ग्रैंड मास्टर सेज़ गेन अ बफ, अगर ये नहीं लिख के आता है द ग्रैंड मास्टर सेज़, तो तुम्हें वो मिशन कम्प्लीट नहीं करना है। अगर तुमने वो मिशन कम्प्लीट कर दिया तो तुम्हारे ऊपर ब्लंडर आ जाएगा, और वाइस वर्सा अगर लिख के आया ग्रैंड मास्टर सेज़ नहीं, ठीक है, मतलब ग्रैंड मास्टर से कुछ लिखा ही नहीं आया, तो तुमको वो मिशन कंप्लीट नहीं करना है। और जब ये ग्रैंड मास्टर से लिख के आए तो कंप्लीट करना है। क्या आया, जैसे ये वो पर्टिकुलर गलतियां हैं जहां मैंने, अब जैसे लिखा रहा परफॉर्म एंड इंटरसेप्ट, तो तुम लोग ये ध्यान से देख सकते हो स्लो मोशन पे लिख के आ रहा परफॉर्म एंड इंटरसेप्ट, यहाँ पे ये नहीं लिख के आ रहा ग्रैंड मास्टर सेज, तो मुझे ये कंप्लीट नहीं करना है। ठीक है, जैसे अगर मैंने अगर अभी इंटरसेप्ट कर दिया तो वो कंप्लीट चैलेंज की जगह पे उल्टा हो जाएगा, होगा क्या कि वो मुझे एक ब्लंडर दे देगा, उस ब्लंडर से मुझे बहुत ज़्यादा एक दिक्कत हो जाएगी, 3 ब्लंडर होते ही ग्रैंड मास्टर के SP3 रेडी और काम ख़त्म। ठीक है, तो तुम लोग ध्यान से देख सकते हो कि यही बस तरीका है, ऐसे ही मिशंस को करना है। ठीक है, बस जब जहाँ पे ग्रैंड मास्टर से ना लिखा हो उसको इग्नोर करो।
ठीक है, और जहाँ लिख क्या है ग्रैंड मास्टर सेज, वहाँ पे मिशन को कंप्लीट करने का है। ठीक है, अब जैसे तुम देख सकते हो ग्रैंड मास्टर सेज विफ अटैक, तो ग्रैंड मास्टर ने बोला है कि विफ अटैक, अगर ग्रैंड मास्टर नहीं लिखा होता तो हम ये नहीं करते। विफ अटैक क्या होता है उस पीछे हट के एक, ये सब तो मिशंस भाई तुम लोगों को पता ही होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं नॉकआउट हो गया, कोई बात नहीं, हो जाता है। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में तुम लोगों को दिक्कत होगी कि ये जो बेसिकली मिशन बता रहे उस पर ग्रैंड मास्टर सेज लिखा है नहीं लिखा है, तो उस चीज़ पे यार तुम लोगों को फोकस रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने गलती करी, अब मैं पढ़ रहा हूँ कि भाई क्या दिक्कत हुई, क्यों नहीं कर पाया मैं अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। बस ये है, मुझे अपनी गलतियाँ सुधारने में बहुत सारे रिवाइव लग गए, और तुम लोगों को मैं ये चीज़ सिखाई दे रहा हूँ कि कहाँ पर ग्रैंड मास्टर सेज होगा और कहाँ पर नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर ना प्रोफेसर एक्स को लेकर चला गया था, ये सोच के कि भाई मैं उससे कर लूँगा इसको मिशन को कंप्लीट, बट इसमें बहुत बड़ी मतलब कह सकते हो मैं फंस गया था, शायद मेरे को इतना याद है कि मैं प्रोफेसर एक्स से नहीं कर पाया था मिशन। ध्यान दे रहे तो क्या आया था मिशन, हाँ लैंड क्रिटिकल हिट, ये वाला मिशन मैंने कर लिया था क्योंकि ग्रैंड मास्टर सेज लिखा था। हाँ, तो ग्रैंड मास्टर सेज का मतलब ये मिशन भाई वो करना है। अब तुम लोग देख सकते हो ये स्पेशल वन उसने मारी, मैंने बैक अपने ऊपर ली, ब्लॉक करी। अब उसके बाद में मैंने वेट किया कि भाई नेक्स्ट मिशन क्या आता है। अब नेक्स्ट मिशन आया इन्फ्लिक्ट डैमेज ओवर टाइम डीबफ। अब यार प्रॉब्लम ये है कि भाई प्रोफेसर एक्स डैमेज ओवर टाइम डीबफ मारता ही नहीं है, जब वो मारता ही नहीं तो मैं इस मिशन को कम्प्लीट ही नहीं कर सकता। और देखा तुम लोगों ने क्या हुआ, ये स्पेशल थ्री बनी। क्यों बनी मैं बताता हूँ तुम लोगों को, इसलिए बनी क्योंकि बेसिकली हम मिशन नहीं कम्प्लीट कर पाए इसलिए। और वो रेड और ग्रीन लाइट वाला जो भी तुम्हें फेज बताया वो सिर्फ फेज वन के लिए है, उसके बाद में वो चीज़ नहीं आती है। सारा जो गेम चालू होता है इस वाले ग्रैंड मास्टर का वो होता है एंड में, मतलब जो 1% होता है ना उसके बाद में, वो भी मैं तुम लोगों को बताऊंगा। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ कौन से चैम्पियंस लेके जाएं, भाई रिवर्स कंट्रोल चैम्पियन ज़रूर डाल लेना, नहीं तो शायद तुम ये क्वेस्ट छोड़ के वापस आ जाओगे और कर नहीं पाओगे। ठीक है, वो भी मैं बताऊँगा क्यों नहीं। जैसे वो वाला ग्रैंड मास्टर था उसे रिवर्स कंट्रोल चैम्पियन चाहिए था। अब यहाँ पे मैं एक बहुत बड़ी गलती ये हो गई कि मेरे पे मिशन आया ग्रैंड मास्टर सेज लैंड आ डोंट, मतलब ग्रैंड मास्टर सेज नहीं लिखा था, वो लिख के आया था लैंड आ क्रिटिकल हिट, तो मतलब मैं क्रिटिकल हिट मार नहीं सकता। और जब मैं क्रिटिकल हिट मार नहीं सकता और प्लेयर एगॉन जैसा लाया हूँ तो मैं एक भी हिट नहीं मार सकता, ना मैं इंटरसेप्ट कर सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ, तो मैं फंस गया और मैं कॉर्नर्ड हो गया और मैं निपट गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रिवर्स कंट्रोल है क्या नहीं, भाई देखो रिवर्स कंट्रोल एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई नहीं खेल पाता है, और ये इनफैक्ट बिल्कुल रियलिटी है कि वो गेम की सबसे हार्डेस्ट चीज़ है मैनेज करने को, हर कोई नहीं कर पाता है। और अगर आप नहीं कर पाते हो तो भाई इसे ये मैं समझना कि तुम बहुत बेकार प्लेयर हो, या वो जो भी कोई भी कुछ बोलता हो, भाई हर कोई नहीं कर पाता यार, और ये गेम है, कोई बहुत अच्छी कोई लाइफ नहीं है तुम्हारी की तुम ये समझो कि भाई मैं रिवर्स कंट्रोल, तुम रिवर्स कंट्रोल चैंपियन वो लाओ। अब जैसे क्लिक किया ग्रैंड मास्टर से इन्फेक्ट डैमेज ओवर टाइम, अब मैं स्पेशल टू तक पहुँच ही नहीं पाऊँगा एगॉन की, क्योंकि वन पे कैप लगा हुआ है, तो मैं ये कंप्लीट नहीं कर सकता, मेरे पे मिलेगा एक ब्लंडर। ठीक है, अब यहाँ पे तुम लोग देख सकते हैं स्पीड वही ब्लॉक, मतलब ऑलमोस्ट है वही ग्रैंड मास्टर, बस कुछ एड ऑन्स हैं इसमें, वही ग्रैंड मास्टर सेज वाले एड ऑन है, और ब्लंडर सिर्फ तीन ले सकता हूँ मैं, जैसे वो कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ। अब गेन अ बफ लिखा है, देखो गेन अ बफ, पर ये नहीं लिख के आया ग्रैंड मास्टर सेज गेन अ बफ, तुम लोग पीछे करके भी देख सकते हो। तो जो ग्रैंड मास्टर ने बोला ही नहीं है तो हम भाई गेन नहीं करेंगे, अगर हमने गेन कर लिया तो हम गए, हमारे वो ब्लंडर आ जाएगा। और एगॉन को तो इतने सारे बफ मिलते हैं कि दो तीन हिट में ही तीन ब्लंडर बन जाएंगे। अब लिख के आया लैंड अ क्रिटिकल हिट, पर ये नहीं लिख के आया ग्रैंड मास्टर सेज, तो जब ग्रैंड मास्टर ने बोला ही नहीं है तो मैं कर ही नहीं सकता। और मेरे ऊपर देख रहे होगे तुम लोग कि एक ब्लंडर आ गया मेरे ऊपर, एक से दो हो गए हैं, इसीलिए हो गए क्योंकि भाई वो कंप्लीट नहीं करना था और मैंने कर दिया। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट मिशन क्या आता है, देखो कितनी कॉर्नर में स्पेशल वन मारी है भाई, कोई नॉर्मल प्लेयर होता बेचारा फंस जाता, इतनी गंदी जगह स्पेशल वन मारी है जाकर उसने। अब चैलेंज सक्सेसफुल तुरंत हो गया इसलिए क्योंकि शायद हो सकता है विफ अटैक था। अब ग्रैंड मास्टर से इंटरसेप्ट वो भी मैंने कर लिया है, तो ग्रैंड मास्टर ने से किया, मैंने कंप्लीट किया, वुंडेड फेस में डाला और तगड़ा डैमेज किया है इसको, अच्छा खासा डैमेज हम लोगों ने कर दिया है। और इसको लेके आ गए नेक्स्ट फेज में, इस वाले फेज में भी यार वही मिशंस होते हैं जो नॉर्मल ग्रैंड मास्टर में होते हैं, बट इसमें क्या शुरुआत से ही तुम रिवर्स कंट्रोल में होते हो। देखो मैं रिवर्स कंट्रोल में खेल रहा हूँ, लिटरली मुझे भी भरोसा नहीं हो रहा था। अगर मैं अपनी नीचे वाली वीडियो को प्ले कर दूँ तो मैं खुद बोल रहा हूँ उस टाइम कि भाई
मैं रिवर्स कंट्रोल खेल रहा हूँ और मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, ठीक है, मुझे लिटरली भरोसा नहीं हो पा रहा था कि भाई मैं रिवर्स कंट्रोल खेल पा रहा हूँ, मैं डेक्सटेरिटी बैक और ये सब इतना अच्छे से मैनेज कर पा रहा था कि मेरे को खुद पे ही नहीं बिलीव हो रहा था कि भाई कैसे कैसे कर रहा हूँ आज मैं। क्योंकि एडसेस वाले ग्रैंड मास्टर में मुझे रिवर्स कंट्रोल में बहुत प्रॉब्लम होती थी, बट क्या है टाइम के साथ में स्किल भी अपग्रेड हुए हैं मेरे, लिटरली स्किल तो अपग्रेड हुए हैं यार, वरना मैं ये मैनेज कैसे कर पाता। सोचो ग्रैंड मास्टर फुल रिवर्स कंट्रोल लास्ट फेज कितना गंदा है, ठीक है। तो हम लोग बढ़िया आराम से लड़ रहे हैं ग्रैंड मास्टर से, ठीक है। तुम लोग देख सकते हो एक तो हेल्थ इतनी कम है कि प्रेशर कितना, स्टैंड स्टिल भी कर ले रहा हूँ, ब्लॉक भी बिल्कुल परफेक्ट, डेक्सटेरिटी और बिल्कुल यार स्पेशल वन में एक भी नहीं खाई, ये बहुत अच्छा रहा। अगर मैं खा जाता मेरे को बहुत दुख होता कि भाई मैं इतने यहाँ तक लेके आया और फिर दिक्कत हो गई मुझे। अब नेक्स्ट मिशन है भाई 4 डैश बैक, मतलब मुझे स्लाइड आगे करना पड़ेगा डैश बैक के लिए, और एकदम से देखो उसकी स्पेशल वन भी बन गई। तो बहुत सारी चीज़ें मैनेज रखनी पड़ रही हैं यहाँ पे रिवर्स कंट्रोल के लिए। यहाँ पे तुम लोगों को एक मतलब वो दे सकता हूँ मैं एडवाइस कि तुम भाई वेकैन को ले आओ या फिर किसी को भी ले। अब मैंने देखो ये स्पेशल थ्री इसलिए हमारी है क्योंकि उस पर लिखा था कि नॉक मी डाउन, तो जब नॉक मी डाउन था और भाई मेरे पास कोई भी तरीका नहीं था नॉक मी डाउन, हैवी लोड मैंने किया नहीं क्योंकि मेरी हेल्थ बहुत कम थी। अब यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि उसकी स्पेशल थ्री भी बनने वाली है, मेरी हेल्थ बिल्कुल बची ही नहीं है। तो मैं कोशिश करता हूँ हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैंड मास्टर को डैमेज दे दूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने पूरा डैमेज देने का बढ़िया से कोशिश किया था और मैंने एगोन से अच्छा खासा डैमेज दे दिया ग्रैंड मास्टर को, ऑलमोस्ट उसे 1% पे ले आया हूँ। बट गेम अभी दोस्तों ख़त्म नहीं हुआ है, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना क्योंकि लास्ट वाला फेज़ वैसा ही गंदा फेज़ है जैसे निक फ्यूरी की हेल्थ रिफिल हो जाती है, वहीं से गेम चेंज हो जाता है, वही मेन बेसिकली तुम कह सकते हो चेंज इस फाइट में एक्ट सिक्स वाली और इससे, ठीक है। रिवर्स कंट्रोल्स बहुत गंदे लगते हैं यार लिटरली, पर कर रहे हैं क्या करें। अब घुसते ही हम लोग आ चुके हैं इसको लास्ट वाले फेज़ में, अब देखो क्या होगा। 1% है, देखा कहाँ भाई आंखों से खून निकल आया था ये चीज़ देख के मेरी, बट ये अपने आप ही कम हो रही है जैसे निक की होती है, ठीक है। तो निक की होती है बिल्कुल वैसे ही कम होगी। अब तुम्हें करना क्या है, अब देखो जैसे ये क्या हुआ अभी कि रिवर्स कंट्रोल थे और एकदम से रिवर्स कंट्रोल चले गए, तो भाई ये इनफैक्ट इतना ज़्यादा मुश्किल था ना कि तुम लोग ये स्लो मोशन में देख सकते हो, अभी ये रिवर्स कंट्रोल है फिर एकदम से रिवर्स कंट्रोल चला जाता है, ये देखो चला गया। अब तुम्हें लगेगा कि भाई रिवर्स होगा बट ऐसा होगा नहीं, वो चीज़ चेंज हो जाएगी। तो यहाँ से बचने के लिए तुम रिवर्स कंट्रोल चैंपियन को लाओ, जैसे प्रोफेसर एक्स हो गया, वकैन हो गया और तुम्हारा वो हो गया नल हो गया, ठीक है, और बहुत सारे चैंपियन हैं, मैं कमेंट सेक्शन में बताना। अगर ये तीनों भी नहीं है तो मैं कोशिश करूँगा तुम लोगों को और भी रिवर्स कंट्रोल चैंपियन, मून ड्रैगन भी है, ठीक है, ऐसे चैंपियंस को लेके आना। और लास्ट वाले फेज़ में तुम्हें करना क्या है, तुम्हें 4 ऑब्जेक्टिव्स करने हैं, स्पेशल 1 मारनी है, स्पेशल 2 मारनी है, स्पेशल 3 मारनी है और एक इंटरसेप्ट करना है, ठीक है। हर चीज़ के साथ हर चीज़ रिमूव होगी, जैसे तुमने इंटरसेप्ट मारा तो तुम्हारा तुम देख रहे होगे कि उसकी इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी चली गई, मतलब इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी नहीं, 4 तरीके के बफ्स थे उनमें से एक चला गया है। अब मैं जब स्पेशल 1 मारूंगा तो एक चीज़ और जाएगी, ठीक है। अब जैसे तुम लोग देख सकते हो, रुको नहीं, स्पेशल वन तुम लोगों को नहीं मारनी है, स्पेशल वन तुम लोगों को इसलिए नहीं मारनी है क्योंकि तुम लोगों ने देखा था मैंने एगोन से स्पेशल वन मार दी थी, तो जब जो भी तुम स्पेशल मार लोगे वो चीज़ सेव हो जाएगी ग्रैंड मास्टर, मतलब तुम्हें बार बार ये सब नहीं करना पड़ेगा। यही करना है तुम्हें कि एक स्पेशल वन, एक स्पेशल टू, एक स्पेशल थ्री और एक इंटरसेप्ट ज़रूर करना है। और जैसे इंटरसेप्ट मैं कर चुका हूँ, स्पेशल वन मैंने एगोन से मार दी है, अब मेरी प्लानिंग ये है कि मैं स्पेशल थ्री और स्पेशल टू मार दूँ प्रोफेसर एक्स से, और सेम वही चीज़ है। देखो ये सबसे घटिया और सबसे वाहियात फेज़ है इस गेम का, तुम कह सकते हो ग्रैंड मास्टर का, बट अगर तुम्हारे पास इसका काउंटर है, विकैन कैन है, तो तुम इसे आराम से कर दोगे एज अ ऑर्डिनरी फाइट, क्योंकि तुम्हारे ऊपर रिवर्स कंट्रोल की कोई भी नौटंकी काम नहीं करने वाली है ग्रैंड मास्टर की। और यहाँ पे तुम कितने भी अच्छे मतलब प्लेयर हो, तुम रिवर्स कंट्रोल का मैनेज कर ही नहीं पाओगे, तुम 10 से 15 रिवाइव इसी फेज़ में लगा दोगे। तो प्लीज़ ये गलती ना करें लास्ट वाले फेज़ में। अब तुमने देख रहे हो मैंने स्पेशल 3 मार दी है और मैं हैवी लोड करके नहीं रख सकता कि भाई मैं स्पेशल 2 मेरा प्रोफेसर एक्स के उस वाले फेज़ में जा पाऊँ। भाई मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता कि मैं ग्रैंड मास्टर जैसे आदमी के आगे हैवी पकड़ के खड़ा हो जाऊँ, ठीक है। अब यहाँ पे तुमने देख रहे हो स्पेशल 2 बन चुकी है उसकी, मुझको पता है कि भाई वो स्पेशल 2 मारेगा और ऐसी वैसी नहीं, बहुत गंदे तरीके से मारेगा। और तुम लोग देख सकते हो ब्लॉक पे इतना हाई डैमेज हुआ है मुझे, मेरा 7-स्टार रैंक 1 प्रोफेसर एक्स है, ठीक है। और यहाँ पे अनडिस्ट्रक्टिबिलिटी और तुम्हारी जो भी है क्या कहते हैं हिमडाल की, वो कुछ काम नहीं आने वाली है।
तो तुम लोगों की मैं कह रहा हूँ प्रोफेसर इसको रिवाइव करके मुक चल रहे हैं, बस एक स्पेशल टू और मारनी है और ग्रैंड मास्टर हम लोगों का डन हो जाएगा। आई होप गाइज यार तुम लोगों को ये गाइड अच्छा लग रहा होगा। इस गाइड को बनाने में लिटरली बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी मुझे, क्योंकि खेला अभी, बनाया अभी अलग से वॉइस ओवर, पहले तो खेलते टाइम वॉइस ओवर भी दिया था, बट मैंने ये सोचा कि तुम लोगों को उस वॉइस ओवर से कुछ समझ भी नहीं आएगा, क्योंकि मैं लिटरली लड़ रहा हूँ और मैं लड़ते हुए कमेंट्री दे रहा हूँ। मैं उतने आराम से तुम लोगों को नहीं समझा सकता क्या ग्रीन लाइट क्या रेड लाइट, तो मेरी डबल मतलब मेहनत ही हो गई कुल मिला के। बट क्या करें यार, तुम लोगों को समझाना भी था क्योंकि क्यों बाकायदा तुम लोगों को यूनिट्स बचा रहा हूँ, अपनी करी हुई गलतियाँ जो है तुम लोगों को बता रहा हूँ, जिससे तुम लोगों का कोई मतलब टेंशन ना हो, दिक्कत ना हो तुम लोगों को। यहाँ पे पॉज रीसेट अपने ऊपर और एक स्पेशल टू, और यहाँ पे हमारा ग्रैंड मास्टर जो था वो आउट हो गया था। आई होप गाइस यार तुम लोगों को इसके बारे में ज़रूर समझ आया होगा। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना अपने अपने दोस्तों को जो नेक्रो के लिए प्लान कर रहे हैं, एंड शेयर दिस वीडियो, गिव इट अ थंब, सब्सक्राइब टू माई चैनल। लव यू गाइस।